हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिशा एंड वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकल दिशा। आई होप कि आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू रिवीजन इफ़ेक्टिवली फॉर नीट। कई बार क्या होता है कि हम नए चैप्टर्स और नए टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं और पुराने चैप्टर्स पुराने टॉपिक्स से हम बिल्कुल ही अपना लिंक तोड़ देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हम पुराने चैप्टर्स से बिल्कुल ही लिंक तोड़ देते हैं और जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो कभी पढ़े ही नहीं थे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। वी हैव टू बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट विद अवर रिविजन्स ऑल्सो। सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ फ्यू टिप्स विच यू कैन यूज टू रिवाइज इफेक्टिवली फॉर नीट। सो द वेरी फर्स्ट इज़ दैट मेक रिविजन्स रेगुलर। आप रेगुलर स्टडी आवर्स, डेली के स्टडी आवर्स में से कुछ टाइम अपनी रिविजन के लिए फिक्स कर दो। लाइक अगर आप डेली 8 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देन मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 आवर्स रिविजन को दे रहे हो। सो रेगुलर रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पुराने टॉपिक्स को भी रेगुलरली रिवाइज करेंगे, देन वी विल बी इन टच विद देम एंड वी विल नॉट फॉरगेट देम। ओके, सो सेकेंड पॉइंट हमारा अब होगा कि हमें क्या रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है, इसमें आपको एनसीईआरटी, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसकी एनसीईआरटी और जितने भी नोट्स आपने बनाए हुए हैं वो रिवाइज करना है। एंड रिवाइजिंग एनसीईआरटी इन केस ऑफ बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं इसी पे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी बिकॉज 90% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल बी आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। सो मेक श्योर कि आप बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रिवाइज करो। एंड द मेन प्रॉब्लम इज दैट इवन आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन वी टेंड टू फॉरगेट इट। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज को रेगुलरली प्रैक्टिस करें, स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। So I am suggesting you a very useful app, that is MemoNeet. MemoNeet has 15,000 plus questions of bio and inorganic chemistry. और ये questions NCERT की एक एक line से लिए गए हैं। And in NEET 2021, 85 questions of bio came directly from the MemoNeet app. And the app has a very interactive interface, so that anyone who has the capacity to read for 30 minutes in a stretch will end up reading for more than 1 hour, and this is experimentally proven. So MCQs, NCERT based MCQs ki practice karne ke liye ab MemoNeet app ko use karo. Until the date, 60,000 users have practiced more than 20 million questions in MemoNeet. So if you are a person who is bored to practice NCERT biology and inorganic chemistry, then this app is for you. MemoNeet also has an eye repeat technology, so if you study a question, it will ring notification for you to practice the same question first day, third day, fifth day and eighth day in a spaced repetition manner to reduce the burden for revision. And if you study a question and get it wrong while revising, it comes most number of times until you get it correct a couple of times. Let's see how the MemoNeet revision algorithm works. Any question you practice will be stored in the temporary memory, and to get it into the short-term memory, you have to do it correct. Similarly, there are 7 steps to move a question from short-term memory to the permanent memory. And they charge you just 1699 rupees for a 1 year subscription. And if you use the code BIO20, you will get it for 1399. 2 year subscription is also available for NEET 2023. If you cannot pay online, you have to just email to memoneet.team@gmail.com and they will guide you for a bank transfer. सो फॉर द रिविजन ऑफ बायो एंड केमिस्ट्री हम एनसीईआरटी रीड करेंगे और अपने नोट्स रीड करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप MemoNeet ऐप यूज़ कर सकते हो। फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं वो रीड करोगे, सारी डेरिवेशंस रिवाइज करोगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो या किसी भी बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू रिवाइज। एंड वॉट आई फील दैट द बेस्ट टाइम फॉर रिविजन इज 2 hours before bed, means before going to sleep, आप अपने 2 घंटे revision को दे सकते हो। और whenever you are not feeling like doing any new subject,
भी आपका कुछ भी नया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब आप पुराना रिवाइज कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट इज गिविंग मोर एंड मोर टेस्ट। आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज दैट विच चैप्टर और विच सब्जेक्ट नीड्स मोर रिविजन, सो यू कैन प्लान योर रिविजन अकॉर्डिंगली। सो गिविंग टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर कि आप रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू।